हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 11th क्लास की मैथ्स फर्स्ट चैप्टर सेट। ठीक है ना? आज केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा? इंट्रोडक्शन। तो 11th की फर्स्ट क्लास है मेरी, और आज ये यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख के अपना नोट्स बनाओगे, ठीक है ना? तो देखो, हम सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेट पहले होता क्या है? तो सेट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर। अब बात आती है सर, ये वेल डिफाइंड नंबर होता क्या है? तो आपने अभी इसके पहले जितना भी आपने चीज़ें नंबर्स में पढ़ा हुआ है, वो मैक्सिमम चीज़ें आपको सेट बोल सकते हो। जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, तो नेचुरल नंबर को आपने कोई भी नेचुरल नंबर कहेगा तो आप 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन यही लिखोगे बेटा। अगर कोई पूछ ले आपसे कि नेचुरल नंबर बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, दैट इज सेट। तो ये नेचुरल नंबर एक कॉम्बिनेशन, एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड नंबर, कि इसमें सारे हमारे नेचुरल नंबर है। चाहे आपसे पूछा जाए, चाहे दुनिया से पूछा जाए, तो हमेशा लोग बताएंगे कि 1, 2, 3, 4 क्या है? हमारा एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर है, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि आखिर इसको किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, किस मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था? तो एक जॉर्ज कैंटर नामक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। क्या नाम था उनका बेटा? जॉर्ज कैंटन। ये याद रखना, जॉर्ज कैंटर ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया था कि सेट होना चाहिए भाई, सेट होना चाहिए। और किसके लिए होना चाहिए? कि सेट यूज्ड टू डेफिनेट कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। याद रखना, डेफिनेट कॉन्सेप्ट किसके लिए बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। रिलेशन एंड फंक्शन जो आपको पढ़ना है यहाँ पे, दो चीज़ें, रिलेशन एंड फंक्शन। तो यानी द मेन चीज़ तो यही थी, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर। तो जो होता है वो हमारे, उसे बोलते हैं हम लोग सेट, ठीक है ना? अब जैसे हमने नंबर दे दिए नेचुरल, जैसे आपसे कहा जाए होल नंबर बताओ क्या है, तो होल नंबर भी क्या है हमारा? एक सेट है बेटा। कोई भी होल नंबर की बात करेगा तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही बताओगे आप। तो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, मतलब कि जो पूरी दुनिया जानती हो, पूरे मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, अगर आप नाम लो तो वो हमें। जैसे कोई कहे कि वॉवल्स, वॉवल्स क्या है? एक टाइप का सेट है भाई। कोई कहेगा वॉवल्स क्या है, तो आप वॉवल्स का तुरंत सेट बना दोगे, उससे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करोगे। क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांच के अलावा कोई वावल्स बता सकता है क्या आपको? यही पांच ही तो वावल्स होते हैं आपके। तो यानी हमें एक चीज याद में रखना चलना है बेटा, कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर जो पूरी दुनिया जानती हो, पूरा वर्ल्ड जानता हो, जिसका एक कंसेप्ट हो, जिसका एक रिलेशंस हो, और जिसका एक पर्टिकुलर मतलब डिफाइंड हो। वो जैसे वावल्स हैं, तो वावल्स का मतलब पांच, पांच का ही कलेक्शन बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सेट। ये क्या है हमारे बेटा? सेट। चल भाई, सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में यूज करते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा? कर्ली ब्रैकेट में। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, ये वाली, इसे बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और इसको हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर से। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं? तो आप लोग मन में बोलोगे, तो मैंने सेट की डिफिनेशन बता दी, कुछ सेट की चीज़ें बता दी आपको। कौन से मैथमेटिशियंस हैं बेटा? मैथमेटिशियन थे आपके जॉर्ज कैंटर। इन्होंने क्या कहा था? एक डेफिनेट कंसेप्ट होना चाहिए रिलेशन और फंक्शन में। और मैथमेटिक्स साइंस में बेटा इस सेट का ना वाइडली यूज है भाई साहब। वाइडली मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज है, कहीं पे लोगों के बिना सेट का आपका नहीं हो सकता। तो हमने सेट पढ़ लिया। अब भाई सेट के रिप्रेजेंटेशन के क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, तो अब हम बताने चल रहे हैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ध्यान से समझना। इसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक होता है हमारा रोस्टर, क्या बोलते हैं उसको? रोस्टर। और फिर टेबुलर, क्या बोलते हैं बेटा? टेबुलर फॉर्म। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म। तीसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट
विल्डर फॉर्म। याद रखना ये वर्ड मीनिंग आप अपने तरीके से ही इंग्लिश पढ़ोगे, मेरी इंग्लिश कोई नहीं सीखेगा। रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है बेटा सेट विल्डर फॉर्म। ये दो तरीके से हम लिखते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सर आखिर रोस्टर होता क्या है भाई, रोस्टर तो बताओ, कहीं रोस्टर चिकन तो नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं, रोस्टर बोल रहे हैं आपसे। तो रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के बारे में समझना, इसकी डेफिनेशन समझना कि ऑल एलिमेंट और सेट आर इंक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय अ कॉमा। जितने भी एलिमेंट हो सेट में उनको हम क्या करेंगे, कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट सेट इज कॉल्ड अ रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे लिख दिया कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं सेट में तो लेस देन 6 की बात कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया हमारा, एक सेट हो गया। यानी इसे हमने किस फॉर्म में लिख दिया बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। अब आती है बात सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा यूज हमारा यही होता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। आज आपका मैंने कहा ना कि इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन केवल होगा सेट के बारे में, तो बस दो ही तीन चीज बताऊंगा ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होता है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट डालते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पहला क्या होता है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दूसरा क्या होता है इसमें, और क्या लिखते हैं, वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज। ये लिख लेना आप लोग, वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज which all the element of the set must satisfy, of the set must satisfy। ये बात याद रखना। यानी सेट बिल्डर सेट क्या होता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म लिख लेना बाबू, फॉर्म जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है। दूसरा क्या होता है, वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज विच ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूँ आपको, ठीक है ना, जैसे मैं लिख दूँ अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, द सेट ऑफ एग्जाम्पल देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, the set of all natural number less than 6, less than 6। तो कैसे लिखेंगे भाई इसको, ऐसे लिखेंगे देखो, a this x इसे पढ़ते हैं such that, क्या बोलते हैं बेटा, इस डबल लाइन डबल पॉइंट को बोलते हैं such that x belongs to n, और x किसके बीच लाई करता है, and x less than 6। x किससे बीच लाई कर रहा है बेटा, 6 से छोटे सारे नंबर का कलेक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक सेट कराएगा। तो इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी हमने, क्या लिख दी, प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने एक सेट और लिख लिया बेटा आपका, एक और बताता हूँ आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं ये साइन भी यूज होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x such that ये लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 6। ये भी हमारा क्या होता है, एक टाइप का सेट होता है। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करता हूँ।